गुड मॉर्निंग बच्चों, आज आपका पावर एंड एक्सपोनेंट का लास्ट क्वेश्चन है। इसको ध्यान से देखना, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है और थोड़ा सा समझने लायक भी है। ठीक है, देखो, x की पावर m प्लस एन की होल पावर 2 इंटू एक्स की पावर n प्लस पी की होल पावर 2 इंटू एक्स की पावर p प्लस m की होल पावर 2 पूरे के अपॉन में है x की पावर m इंटू एक्स की पावर n इंटू एक्स की पावर p की होल पावर 3। इसके इज इक्वल टू हमें प्रूव करना है कि x की पावर m प्लस एन प्लस पी होता है। ठीक है बेटा, तो देखिएगा ध्यान से इसको। आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो यहाँ पे पुट कर लो। ठीक है, यहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड साइड पुट कर ली। उसके बाद में बच्चों देखना, पावर की पावर है तो पावर की पावर बेटा मल्टीप्लाई हो जाती है, तो x की पावर 2m और ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा 2n से भी, तो x की पावर 2m प्लस x की पावर 2n। ठीक है बेटा, x की पावर 2m प्लस 2n हो गया। अच्छा, उसके बाद में ये गलती से यहाँ पे मैंने m लिख दिया, यहाँ पे n करना, फिर n2 ऐसे इसको करो, 2 को n से मल्टीप्लाई करो, 2 को p से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा x की पावर 2n प्लस 2p। इसी प्रकार इसको एक्स की पावर 2p प्लस 2n। ठीक है बच्चों, और पूरे की अपॉन में जो एज इट इज है वो लिख देना, एक्स की पावर m इंटू एक्स की पावर n इंटू एक्स की पावर p की होल पावर 3। अब देखो बेटा, इसका इसका और इसका जो बेस है वो इक्वल है, और साइन किसका है, मल्टीप्लाई का है, तो जब बेस इक्वल होता है और साइन मल्टीप्लाई होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। मैंने आपको बहुत बार बता दिया, तो बेस तो एज इट इज और पावर सब ऐड कर दी मैंने, 2m प्लस 2n प्लस 2n प्लस 2p प्लस 2p प्लस 2n, यहाँ पे सब पावर ऐड कर दी। ठीक है, जो नीचे है वो मैंने एज इट इज लिख दिया। ध्यान रहे, हमें ये लेके आना है, ये प्रूव करना है। ठीक है, आंसर अपना ये आना चाहिए। अब देखना बेटा, देखो प्रूव करना क्या होता है, मतलब अपने को प्रूव करते हैं उसका आंसर नहीं दिया होता है पीछे आंसर शीट में, आप देखोगे तो उसका आंसर उसके सामने होता है। आप अगर ये लेके चलते हो तो आपको ये प्रूव करना पड़ता है, आंसर जो आप लास्ट में लेके आओगे वो ये लेके आओगे। ठीक है बेटा, तो देखना यहाँ तक अपना हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप, एक्स की पावर देखो 2m और 2m दो बार है तो मैंने ऐड कर दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया, ये n है बेटा, यहाँ पे देखो 2m और 2m टू टाइम्स है, तो 2m और 2m 4m हो गया, 2n और 2n टू टाइम्स है तो 4n हो गया, 2p 2p 4 टाइम्स है तो 4p हो गया। ठीक है बेटा, और अपॉन में देखो, अब ये 3 है, पावर की पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3m 3n 3p ये लिख दिया मैंने, x की पावर 3m प्लस 3n प्लस 3p। अब मैं क्या कर दिया, मैंने नेक्स्ट स्टेप में इसको ऊपर ले गया, इसको बेटा मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगी। ये देखो ऊपर जो एज इट इज थी वो मैंने एज इट इज लिख दी, इनटू इसको ऊपर ले गया तो x की पावर क्या हो गई, माइनस लगा दिया मैंने, x की पावर माइनस 3m प्लस 3n प्लस 3p। अब दोबारा देखना, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, वापस ऐड हो जाएगी, तो x की पावर 4m प्लस 4n प्लस 4p ये माइनस 3m माइनस प्लस माइनस 3n माइनस प्लस माइनस 3p। ठीक है बेटा, 4m में से 3m माइनस करोगे तो m बचेगा, 4n में से 3n माइनस करोगे तो भी n बचेगा, और 4p माइनस 3p करोगे तो ओनली p बचेगा। तो हमारे पास आ गया x की पावर m प्लस n प्लस p, ये हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड। ओके बच्चों, इसको अपनी कॉपी में नोट करके इसको खुद सॉल्व करके देखना, ये आपको बहुत ही ज़्यादा फिर इजी लगेगा। आपको देखने में हार्ड ज़रूर लगेगा लेकिन इसको जब सॉल्व करके देखोगे आपको ये बहुत इजी लगेगा। मंडे से मैं आपको नया चैप्टर स्टार्ट करवाऊँगा। ओके बच्चों, बाय।